एवरीवन, आई एम सीए अंकित अग्रवाल और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल टैक्स जी। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करना चाहूंगा जिससे जानते सभी हैं और लेते बहुत कम लोग। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें आप छोटी छोटी बचत से अपनी बेटी के लिए अच्छा भविष्य चुन सकते हैं। ये एक ऐसी स्कीम है जिसमें एक पिता अपनी नन्ही परी के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकता है ताकि जब वो अपने पंख फैलाए तो उसके सपने पूरे कर सके। आज ये टॉपिक उन रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स के लिए है जो फ्रॉम बर्थ अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए अपनी मेहनत की कमाई से कुछ ना कुछ जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि जब उनकी बेटी 18 या 21 साल की हो तो उनकी एजुकेशन या मैरिज के काम आ सके। और हाँ, गवर्नमेंट भी आपका इसमें उतना ही साथ देती है जितना आप, यानी कि गवर्नमेंट आपको इसमें एक्साइटिंग रिटर्न देती है जो कि है 7.6%। जी हाँ, 7.6%। दिस स्कीम इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज इट मोटिवेट मी टू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट ईयरली एंड डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई डॉटर। आई गेस अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात करने जा रहा हूँ, और आपका गेस बिल्कुल सही है। तो आज जिस टॉपिक में मैं बात करना चाह रहा हूँ उसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना ऑन योर यूट्यूब चैनल TaxG। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें बिकॉज आई बिलीव इन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना इज अ गवर्नमेंट गारंटीड स्मॉल सेविंग्स स्कीम विद अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.6%। यानी कि जो पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट गारंटीड है, 100% सेफ है। और हाँ, गवर्नमेंट आपको 7.6% की ब्याज भी देंगे। दिस कैन बी ओपन बाय पेरेंट्स ऑफ अ गर्ल चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 10 ईयर। यानी अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से कम है तभी आप इसको ओपन करा सकते हैं। डिपॉजिट कैन बी मेड मैक्सिमम अप टू कंप्लीशन ऑफ 15 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। यानी जिस साल आपने ये अकाउंट खोला उसके 15 साल तक आप उसको इसमें पैसे डिपॉजिट करा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन एट एनी बैंक और पोस्ट ऑफिस। सुकन्या समृद्धि अकाउंट हैज अ टेन्योर ऑफ 21 ईयर्स और अंटिल द गर्ल चाइल्ड मैरीज आफ्टर द एज ऑफ 18। यानी कि यह अकाउंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 21 ईयर्स तक ही खोला जा सकता है, उसके बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। एलिजिबिलिटी फॉर ओपनिंग दिस अकाउंट, इस अकाउंट को खोलने की एलिजिबिलिटी क्या है? ओनली पेरेंट्स और लीगल गार्जियंस ऑफ अ गर्ल चाइल्ड कैन ओपन अ सुकन्या समृद्धि अकाउंट। यानी कि आपके माता पिता या फिर आपका जो भी कोई लीगल गार्जियन है वो अपनी बेटी के लिए यह अकाउंट खुलवा सकता है। अ गर्ल चाइल्ड हैज टू बी बिलो द एज ऑफ 10 एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट। यानी अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल से कम है तभी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन इन द नेम ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। यानी एक बेटी के नाम पे एक ही अकाउंट खुलेगा। टू सुकन्या समृद्धि अकाउंट आर अलाउड फॉर अ फैमिली, दैट इज वन फॉर ईच गर्ल। यानी अगर किसी फैमिली में दो बेटियों का जन्म होता है तो आप उस फैमिली में दो सुकन्या समृद्धि अकाउंट भी खुलवा सकते हैं। मगर रुकिए, अगर ट्विंस हो जाए तो क्या करेंगे? यानी अगर ट्विंस होते हैं तो थर्ड अकाउंट भी खोल सकते हैं। यह गवर्नमेंट ने आपको सहूलियत दी है। बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन सुकन्या समृद्धि योजना, बेनिफिट्स क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना ऑफर 7.6% इंटरेस्ट रेट, विच इज मोर देन एनी गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग पीपीएफ और सीनियर सिटीजन। है ना खुशी की बात? सुकन्या समृद्धि योजना इज गवर्नमेंट गारंटी, बोले तो 100% सिक्योर। यानी अगर आप पैसे इसमें डालते हैं तो आपके पैसे 100% सिक्योर हैं और बेफिक्र होके आप इसमें जितना जो भी लिमिट है उतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना प्रोवाइड टैक्स डिडक्शन बेनिफिट
ऑफ 1.5 लाख अंडर सेक्शन 83, यानी कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको 1.5 लाख तक की छूट भी मिलेगी। वन कैन मेक अ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 250 रुपीज इन अ ईयर एंड अ मैक्सिमम डिपॉजिट ऑफ 1.5 लाख इन अ ईयर, यानी आप इसमें 250 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। जिसकी जितनी अर्निंग, जिसकी जितनी सेविंग, उतना ही आप डिपॉजिट कर सकते हैं। यानी कि अगर आप 1.5 लाख पूरे 15 साल जमा करते हैं तो आपको मिलेंगे 65 लाख रुपए। अगर आप 1000 रुपए महीने की बचत करते हैं तो आपको मिलेंगे करीब 6 लाख, जो कि एक छोटी आमदनी वाली फैमिली के लिए काफी है। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक और वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। अगर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो लीगल गार्जियंस को भी इजीली ट्रांसफर हो जाता है। ये थी यहां तक की बात। अब आगे बात करते हैं। गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ चेंजेस किए हैं, जिसमें से कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। चेंज नंबर 1, द हायर इंटरेस्ट रेट फॉर डिफॉल्ट अकाउंट। डिफॉल्ट अकाउंट ये क्या होता है? डिफॉल्ट अकाउंट वह अकाउंट है जिसमें आप 250 रुपीज इन अ ईयर भी डिपॉजिट नहीं करते, यानी आपने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया तो वो डिफॉल्ट अकाउंट बन जाता है। अगर आपका अकाउंट डिफॉल्ट भी हो जाता है तो भी डिपॉजिट अमाउंट पे इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। यह सबसे बड़ा चेंज है। चेंज नंबर 2, चेंजेस इन रूल फॉर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ द अकाउंट। यानी इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ गर्ल, यानी गर्ल की अगर मृत्यु हो जाती है, और इन केस अ गर्ल और गार्जियन सफर फ्रॉम अ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, देन प्री मैच्योर क्लोजर इज अलाउड। चेंज नंबर 3, ऑपरेशन ऑफ अकाउंट। अ गर्ल कैन नॉट ऑपरेट दिस अकाउंट टिल शी अटेन्स द एज ऑफ 18, यानी 18 साल की उम्र के बाद ही वो इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप कब अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं मुझे जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि वी नीड टू स्प्रेड दिस वैल्यूएबल नेशन बिल्डिंग स्कीम दैट इज सुकन्या समृद्धि योजना। इन द एंड आई वुड लाइक टू से सम पीपल विल कंपेयर इट विद म्यूचुअल फंड्स और अदर हाई अर्निंग रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट आई वुड लाइक टू मेक इट क्लियर दैट दिस स्कीम इज फॉर एवरीवन, जैसे कि उन लोगों के लिए भी है जो इस तरह के एडवांस इन्वेस्टमेंट खुद में डील नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मैं हूं सीएम के तगरवाल ऑन योर यूट्यूब चैनल टैक्सजी। सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।